धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी कदम कदम पर अद्भुत और अनोखी चीजों से भरी पड़ी है, जिनके बारे में जानकर हर किसी को आश्चर्य होता है। रामनवमी के दिन आपको ऐसे ही एक अद्भुत और अनोखे बैंक के बारे में बताते हैं, जो काशी में बीते 52 सालों से संचालित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ रुपए पैसे का लेन देन नहीं, प्रभु राम के नाम का कर्ज दिया जाता है। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। भक्तों की आस्था का ये बड़ा केंद्र राम रमापति बैंक के नाम से जाना जाता है। राम नाम लिखी स्पेशल करेंसी से ये बैंक भरता ही जा रहा है। बीते 52 सालों में इस बैंक में 19 अरब से ज्यादा राम का नाम लिखकर भक्त जमा कर चुके हैं। आपको बता दें, राम के नाम से संचालित इस बैंक में मैनेजर भी हैं और क्लर्क भी। यहाँ सब कुछ बैंकिंग सिस्टम के तहत ही होता है, बस लेन देन रुपए पैसे का नहीं, राम के नाम का होता है। इस बैंक के बारे में यहाँ के मैनेजर दास कृष्ण चंद्र ने बताया कि काशी में इस अनोखे बैंक की शुरुआत 1926 में विश्व कल्याण के मकसद से की गई थी। ये किस तरह का बैंक है और इसकी क्या खासियत है अन्य बैंकों की तुलना में? पहली बात तो यह है कि अन्य बैंक जो हैं वो पैसे का लेन देन करते हैं, श्री राम रमापति बैंक मात्र राम नाम का लेन देन करता है। बैंक के मैनेजर ने बताया कि इस बैंक में मुस्लिम देशों सहित ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और अरब से भी लोग जुड़े हैं। राम रमापति बैंक में 52 सालों में भक्तों ने 19 अरब 22 करोड़ 62 लाख 80 हजार श्री राम का नाम जमा किया है। 19 अरब 28 करोड़ 81 लाख 50 हजार श्री राम नाम एकत्र है यहाँ पर, जो देशांतर के भक्तों द्वारा लिखित है। श्री एक श्री राम की परिक्रमा करके गणेश जी तीनों लोक में प्रथम पूज्य हो गए। अब 19 करोड़ श्री राम राम की परिक्रमा करने का क्या पुण्य होगा, ये तो स्वयं श्रद्धालु जन को विचारणीय हो जाता है। दूसरे बैंकों की तरह यहाँ मैनेजर, अकाउंटेंट और चपरासी भी है। करीब 21 लाख से ज्यादा लोग इस बैंक से जुड़े हैं। राम नाम के इस बैंक से आपको कर्ज भी मिलेगा, लेकिन राम के नाम का कर्ज मिलेगा जिसकी लिमिट है। एक भक्त 1.25 लाख राम नाम का कर्ज ले सकते हैं, जिसे 8 महीने 10 दिन में जमा कराना होता है। इस दौरान भक्तों को कई नियमों का भी पालन करना होता है, जिसके तहत मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। दूसरे के घर या बाहर का खान पान भी प्रतिबंधित होता है। राम नाम का लोन लेने से पहले शपथ पत्र मनोकामना विवरण देना पड़ता है। नाम और अन्य प्रक्रिया यहाँ गुप्त रखी जाती है। जब भक्त का इस लोन यानी राम नाम लिखकर इसे जमा करते हैं, तो इसको खास प्लास्टिक कवर में लपेट कर रखा जाता है। बैंक के मैनेजर की माने तो राम नवमी के दिन बैंक में जमा 19 अरब से ज्यादा राम नाम की इस खास करेंसी को दर्शन और फेरी के लिए रखा जाता है, ताकि भक्त परिक्रमा कर पुण्य के भागीदार बन सके।